हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन वेल इनफ, यानी कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है बिहार पुलिस की तरफ से। प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के अंडर सब इंस्पेक्टर यानी SI की रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में हमें बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, जॉब सिलेक्शन का आपका कैसे होगा, किन किन स्टेज से गुजर के होगा, एग्जाम की पैटर्न क्या रहेगी, फिजिकल क्राइटेरिया, मतलब कंप्लीट डिटेल में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी इसको लेकर अगर थोड़े से भी हो इंटरेस्टेड, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। तो चलिए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि बिहार पुलिस के अंदर प्रोहिबिशन सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आई है। प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट जो मद्य निषेध विभाग होती है ना, उसके अंदर आपको सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई की जो डेट है वो क्या रहने वाली है। तो आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा 4 नवंबर यानी आज से। लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा आपका 4 दिसंबर 2023। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि सर्वर इशू होती है बाद में। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आप इलिजिबल हो, इच्छुक हो फॉर्म भरने के लिए, तो आप अप्लाई कर देना। चलिए बता दूं कि फॉर्म भरने में आपको क्या फीस लगेगी। जनरल BC, EBC और EWS से लिया जाएगा 700 रुपीज़, वहीं पर SC ST कैंडिडेट से 400 रुपीज़ की फी ली जाएगी। अब चलिए बता देती हूँ कैटेगरी वाइज सीट को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल के लिए 27 सीट्स पे वैकेंसी आई है, EWS के लिए 6 सीट्स पे, BC के लिए 7, EBC के लिए 12, SC के लिए 10 एंड ST के लिए यहाँ पर कोई भी सीट्स नहीं है। BC फीमेल के लिए आपको बैकवर्ड कास्ट जो फीमेल होंगी ना, उनके लिए 1 सीट यहाँ पर रखा गया है। ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल 63 सीट्स के लिए आपकी ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि एज की लिमिट ना क्या रखी गई है। योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of August 2023। आपका मिनिमम होना चाहिए 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स। फीमेल्स को होता है मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 40 इयर्स। रिलैक्सेशन भी मिलता है, बीसी एंड ईबीसी को 3 इयर्स का मिलेगा एंड SC ST को मिलता है 5 इयर्स का। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उसमें अगर आपने सिंपली ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, डजंट मैटर कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कुछ भी है, आप पास आउट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सेलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो योर सेलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। सबसे पहले होगा आपका प्री एग्जाम, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें 20 गुना स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा। फिर मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें 6 गुना स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा, मतलब जितना सीट है उसके 6 गुना। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि प्री जो एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा, उसका क्या पैटर्न होता है। प्री एग्जाम में फ्रेंड्स होता है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, मतलब सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 2 आवर्स एंड निगेटिव मार्किंग भी है 0.2 का, और पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। सो आई होप कि प्री एग्जाम की पैटर्न आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं मेंस के एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें होता है आपका पेपर 1 एंड पेपर 2, दो पेपर रहेगा। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, टाइम 2 आवर्स एंड निगेटिव मार्किंग 0.2। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, वो आपको हिंदी लैंग्वेज से पूछा जाता है, क्वालिफाइंग नेचर की होती है, ये क्वालिफाई करना होता है आपको। सेकेंड पेपर होता है आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, टाइम 2 आवर्स एंड निगेटिव मार्किंग 0.2 की रहती है। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा, निगेटिव मार्किंग 0.2 की। अब आपको बता दूं कि ओवरऑल किन किन सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आपको टोटल रहने वाले हैं। जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, सिविक्स और इंडियन हिस्ट्री से रहेगा आपका, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। सो ओवरऑल इन सारे
टॉपिक से जो इन सारे सब्जेक्ट से ओवरऑल आपका 100 questions रहने वाला। आई होप कि मेंस की एग्जाम पैटर्न आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो जब आप मेंस का एग्जाम क्लियर करोगे ना तो आपका फिजिकल होगा। तो चलो मैं बता देती हूँ फिजिकल में PST एंड PET क्या रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें होती है क्या हाइट की मेजरमेंट। मेल कैंडिडेट्स जनरल एंड BC का रहता है मिनिमम 165 सेंटीमीटर, EBC SC ST का 160 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको हाइट की मेजरमेंट रहती है। फीमेल्स ओवरऑल हर कैटेगरी की फीमेल का मिनिमम 155 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। चेस्ट की जो मेजरमेंट होती है ना सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की होती है। जनरल BC एंड EBC का 81 to 86 सेंटीमीटर एंड SC ST का 79 to 84 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स उसके बाद में आपकी PET होती है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें शारीरिक क्षमता का आपका परीक्षण किया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले ना आपका रनिंग का टेस्ट होता है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए। 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा फीमेल कैंडिडेट्स को। देन होगा आपका हाई जंप मेल के लिए 4 फीट का, फीमेल के लिए 3 फीट का। फिर गोला फेंक का भी आपका टेस्ट होगा। मेल्स को ना 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है, फीमेल्स को 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होता है। आई होप कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप बेटर वे में समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको पास करने के बाद सिंपली आपका DV होता है, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में पूछते हैं कि एग्ज़ाम कहाँ होगा। एग्ज़ाम आपको आप कहीं से अप्लाई करो, ऑल ओवर इंडिया से आपको बिहार में आके एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है OMR सीट पे होता है, पेन एंड पेपर मोड पे। तो आपको ना बिहार के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे वहाँ पर आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, फिर आपको बिहार में आके ही एग्जाम देना होगा। और जो पोस्टिंग होगी वो भी बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आफ्टर पोस्टिंग आपको सैलरी क्या दी जाएगी। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 35,400 रुपीज पर मंथ की सैलरी होती है। आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट आपकी जो सैलरी रहेगी 1,12,400 रुपीज। सैलरी अच्छी खासी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे शराब बंदी है, इसके लिए टाइम टाइम पे ना प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा रिक्रूटमेंट आते रहती है। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखो, और मैंने जो कुछ भी डिटेल बताई हो आप अगर समझ गए हो तो अच्छी बात है, और अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछो आप। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, सबका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस जॉब का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर लो। और वीडियो पसंद आई हो तो खूब सारा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।